हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की इस वीडियो में हम जॉन टैम्पल्टन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे कि जॉन टैम्पल्टन ने किस तरीके की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दी है तो ये हमारे बिहेवियरल फाइनेंस की ही यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सारे मास्टर्स की स्ट्रैटेजीज़ को कवर कर रहे हैं इससे पहले हमने बेंजामिन ग्रहम वॉरेन बूफे की कर ली अब हम आ गए हैं अब जॉन टेम्पल्टन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर तो देखेंगे कि इन्होंने हमें क्या स्ट्रैटेजी दी है किस तरीके से हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होने वाली है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें आप लाइक like में कंजूसी ना करें प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ऑफ डॉन मीन तो जॉन टेम्पल्टन तो स्टार्ट करते हैं फिर तो जॉन टेम्पल्टन जो थे एक यू नो ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर थे या हम अच्छा है इज अ ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर तो काफी ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टर हैं ये और ही इज़ नॉन एज द गाइड ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट उनको एक तरीके से गाइड के तौर पे माना जाता है कि वो जो है गाइड करते हैं साथ में हिज इन्वेस्टमेंट थ्योरी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरी ऑफ बेंजामिन ग्रह तो इनकी थ्योरी जो है वो कम्प्लीटली यानी कि पूरी तरीके से बेंजामिन ग्रहण से बिल्कुल अलग है तो अब ही हैज़ कम्युनिकेटेड हिज इन्वेस्टमेंट थ्योरी फॉर अदर इन्वेस्टर्स तो उन्होंने भी जो है अपनी थ्योरी बताई है इन्वेस्टमेंट की तो जॉन टेम्पल्टन हैज़ मेड यूज ऑफ फंडामेंटल टेक्निक्स तो जॉन टेम्पल्टन ने इन्वेस्टमेंट के लिए जो है फंडामेंटल टेक्निक्स को यूज़ किया है एंड ही डज नॉट हैव अ फेथ ऑन डिफाइंड एंड पेस बेस्ड इन्वेस्टमेंट उनका जो आ, विश्वास है वो डिफाइंड और पेस्ट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में नहीं है जॉन टेम्पल्टन का ओपिनियन ये है उनका विचार ये है कि इन्वेस्टर को परचेज़ करनी चाहिए सिक्योरिटीज़ इन अनफेवरेबल और ओपोजिट सिचुएशंस तो जॉन टेम्पल्टन बोलते हैं कि एक इन्वेस्टर को सिक्योरिटीज़ अनफेवरेबल और अपोजिट सिचुएशंस में यानी कि अच्छी कंडीशंस में नहीं बल्कि अनफेवरेबल कंडीशंस में ही उनको सिक्योरिटीज़ परचेज़ करनी चाहिए यह जॉन टेम्पल्टन का एडवाइज़ है क्यों क्योंकि द सिक्योरिटी जनरली हैविंग अ लो प्राइस इन सच अ टाइम क्यों क्योंकि उस टाइम सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है वो जनरली कम होता है तो ही हिम सेल्फ मेक इन्वेस्टमेंट वो जो है खुद लो प्राइस स्टॉक को ख़रीदते हैं यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें और उन सिक्योरिटीज़ को वो उस टाइम पर बेचते हैं जब सिचुएशन फेवरेबल हो जाती हैं क्यों क्योंकि उस टाइम जो है उन सिक्योरिटीज़ का बेस्ट प्राइस मिलता है तो मैक्सिमम प्राइस पे वो सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट कर देते हैं तो मेनली टू पॉइंट इन इंक्लूडेड बाय टेम्पल्टन इन हिज इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी तो उन्होंने दो पॉइंट दिए हैं पहला तो उन्होंने दिया है कि चीप एंड दूसरा है ग्लोबल तो अब स्टडी करेंगे आगे कि उन्होंने क्या बोला है कि जॉन टेम्पल्टन ने 1939 में ही परचेज 100 100 शेयर ऑफ 104 कंपनीज तो उन्होंने हंड्रेड हंड्रेड शेयर परचेज करे कितनी कंपनीज के एक सौ चार कंपनीज के हैविंग अ प्राइस ऑफ लेस देन वन डॉलर उनका जो प्राइस था वो वन डॉलर से भी कम था सोचिए आप 104 कंपनीज थी 100 सौ शेयर सभी कंपनीज के खरीदे जिनका प्राइस 100 डॉलर आई मीन वन डॉलर से भी कम था एक एक शेयर का प्राइस तो अब ही हैड मेड अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 डॉलर एट दैट टाइम 1939 में उन्होंने टेन थाउजेंड डॉलर्स की जो है टोटल इन्वेस्टमेंट करी और उन्होंने इन्हीं को इन्हीं शेयर्स को कितने रुपए में बेचा आफ्टर फोर इयर्स फोर्टी थाउजेंड डॉलर्स में सोचिए सीधा थर्टी थाउजेंड डॉलर्स का उनको बेनिफिट हुआ तो टेम्पल इज़ अ वैल्यू इन्वेस्टर हैविंग अ कंप्लेक्स नेचर

टन ने उन सिक्योरिटीज उन स्मॉल कंपनीज की सिक्योरिटीज़ को परचेज किया जिनके बहुत ही कम इन्वेस्टर हैं मार्केट में तो टेम्पल्टन जो थे एक रियल इन्वेस्टर थे इंटरनेशनल लेवल पर ये इन्वेस्टमेंट करते थे ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करते थे ही हैज़ ऑल्सो मेड परचेज ऑफ लो प्राइस सिक्योरिटी इन द कंट्री आउटसाइड द यूनाइटेड आई मीन यूनियन एसोसिएशन यानी कि अपनी यू नो कंट्री के बाहर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है तो अब कुछ फॉलोइंग प्रिंसिपल्स उन्होंने डेवलप किए हैं पहला कि इन्वेस्टर मस्ट अंडर गो द मोस्ट एफिशियंट बार्गेनिंग इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बारगेनिंग इन्वेस्टमेंट को जो है आई मीन इन्वेस्टर को जो है मोस्ट एफिशियंट बार्गेनिंग करनी चाहिए बजाय कि नॉर्मल बार्गेनिंग के और सिक्योरिटीज मस्ट बी परचेज बाय एन इन्वेस्टर एट देयर टॉप ऑफ ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट एंड द सिक्योरिटी मस्ट बी सोल्ड आउट एट देअर टॉप ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि सिक्योरिटी को परचेज तब करना चाहिए जब वो पैसिमिस्टिक पॉइंट पर हो यानि कि बेसिकली उनके प्राइजिज लो हो राइट right? और उनको सोल्ड आउट तब करना चाहिए जब वो ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट पे हों जब उनके प्राइजिज मैक्सिमम हों इफ़ एन इन्वेस्टर वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल अगर एक इन्वेस्टर चाहता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करे दैन ही मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट इन दोज़ कंट्री इन विच द इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल तो उनको उन इन्वेस्टर को उनही देशों में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल हो यानी कि कंट्रोल में ना हो विच हैव लिमिटेड रूल्स विद रिगार्ड टू इन्वेस्टमेंट और ऐसी कंट्रीज में उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनके जो रूल्स हैं वो लिमिटेड हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मतलब बहुत ही कम रूल्स एंड रेगुलेशन हो उन कंट्रीज में एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ये जॉन टेम्पल्टन जी का कहना है उसके बाद इन्वेस्टर मस्ट मेक इन्वेस्टमेंट एट एन अप्रोप्रिएट प्राइज इन दो सिक्योरिटी ओनली विच दे अंडरस्टैंड वेल तो इन्वेस्टर को उन्ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए एक यू नो अप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए सही प्राइस होना चाहिए उन सिक्योरिटीज़ का और उनको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ये सिक्योरिटी ऐसी है इस टाइप की है और इसका मार्केट में प्राइस इस टाइप से चल रहा है तो ढंग से हमें चूज़ करना है कि अप्रोप्रिएट प्राइस भी होना चाहिए और फिर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अब कुछ पैरामीटर्स दिए हैं टेम्पल टन ने पैरामीटर्स दिए हैं टेम्पल्टन हैज़ कंसीडर्ड इट अप्रोप्रिएट टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सम मेजर पैरामीटर्स तो उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं नंबर वन प्राइज अर्निंग रेशो नंबर टू लिक्विडेटिंग वैल्यू नंबर थ्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नंबर फोर कंसिस्टेंसी ऑफ ग्रोथ रेट्स तो ये उन्होंने कुछ पैरामीटर्स दिए हैं जिनको आप फॉलो करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ये थी जॉन टेम्पल्टन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आई होप आपको क्लियर हुई होगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू सो मच